तो आप देख सकते हैं ये आज का हमारा रेसिपी है सूजी का हलवा। इसके लिए ये हमारा चाय का कप है। इसे हम एक कप घी लेंगे और चाय के कप से ही एक कप सूजी लेंगे। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये काजू बारीक कटे हुए, पिस्ते बारीक कटे हुए, और नारियल, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया, आप इसे काट कर भी डाल सकते हैं। और ये बादाम 3 से 4 है, इसे मैंने बारीक काट लिया। तो चलिए, और इसी कप से मैं नाप कर एक कप चीनी भी ऐड करूँगी। चलिए फिर मैं बनाती हूँ सूजी का हलवा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने एक कढ़ाई लिया और इसके अंदर हम, कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। तो चलिए कढ़ाई गर्म होने का वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं घी ऐड कर रही हूँ। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम सूजी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा घी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं ये सूजी ऐड कर देती हूँ और इसे भून लेंगे। इसे जब तक भूनेंगे, जब तक अच्छी तरीके से ब्राउन ना हो जाए, और इसे भूनते समय गैस को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे, हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो हमारा सूजी जल जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए इसे ब्राउन होने पे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सूजी ब्राउन होना चालू हो गया है। हम इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे, इस तरीके से पकाएंगे कि इसके बिल्कुल दाने दाने अलग हो, दानेदार सूजी का हलवा बनाएंगे और बिल्कुल झटपट बन जाते हैं। बस इसे थोड़ा लो फ्लेम पे भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो ये झटपट बन जाते हैं। और इसकी घी की खुशबू इस वक्त इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए ये जब तक अच्छी तरह से ब्राउन हो जाता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सूजी घी छोड़ दिया, ये देखें। इसी घी में मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी, इसे भी घी में भून लूँगी ताकि इसका घी का फ्लेवर अच्छा आ जाए सूजी के साथ। अब इस स्टेज पे मैं गैस को ऑफ कर दूंगी क्योंकि हमारा सूजी अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम इससे ज़्यादा इसे पकाएंगे तो ये जल जाएगा। और मैंने आपको बताया था ये कप से हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 कप पानी। आप चाहे तो पानी ऐड कर लें, आप चाहे तो दूध ऐड कर लें। तो आप चाहे तो पानी ऐड कर लें, आप चाहे तो दूध ऐड कर लें, ऑप्शनल है। मैं दूध ऐड कर रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। मैं इसे 3 कप दूध ऐड करूँगी, 1 कप चीनी ऐड करूँगी और उसी हिसाब से 3 कप दूध ऐड करूँगी। ये 2 कप हो चुके और ये 3रा कप। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप शुगर ऐड करूँगी, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना कम मीठा ज़्यादा खाते हैं, लेकिन नाप आप यही नाप रखें। चलिए मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड करती हूँ। तो इसमें 3 कप दूध ऐड हो चुका है और इसी कप से 1 कप मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। इसे कर देंगे मिक्स। हमारा चूल्हा ऑफ है, अब हम इसे ऑन करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप 2 कप करते हैं तो उसका 3 गुना पानी डाल दें, 6 कप पानी डाल दें, तो इस तरीके से बनाएं। तो चलिए इसका पानी खुश्क होता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं
कि हमारे सूजी में कितने अच्छे तरीके से बॉईल हो रहा है। ऐसे हम पानी खुश्क करने तक इसे पका लेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारा सूजी नीचे से ना जले। आपको लगता है कि हमारा सूजी का कलर फीका है तो आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, मैं आपको ऐड करके बताती हूँ। तो ये देखें, ये हमारा फूड कलर है, ये हमारा येलो कलर है, वो मैं इसमें एक पिंच डाल रही हूँ यानी वन चुटकी, और इसे हम मिक्स कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आप इसे चाहे तो पानी में घोल कर डालें या आप चाहे तो ऐसे ही डाल लें, मैंने ज़्यादा नहीं डाला, हमें हल्का सा ही कलर चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इतना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जब तक हमारा घी छोड़ देगा तब तक हम इसे भून लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, हमारा सूजी का हलवा बिल्कुल रेडी है, ये घी भी छोड़ चुका है। अब हम गैस ऑफ करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे। तो आप ये देख सकते हैं, हमारा सूजी का हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बना है और ये बहुत ही झटपट बन जाता है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।